तो सर आपने बैड न्यूज़ का ट्रेलर देखा? हाँ हाँ देखा, आई हैव, यस हाँ देखा। हाँ बैड न्यूज़ का ट्रेलर देखा। तो एक बेबी होता है, तो वो कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं जो मतलब करोड़ों में, करोड़ों से क्या, करोड़ों में भी एक रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। जैसे शाहरुख खान जी भी थे तो उनको सपोर्ट कैसे मिला, वो उनके जो पापा थे वो NSD की वहाँ कैंटीन में थे, तो उनको पता था कि हाँ यहाँ पे ये कनेक्शन हैं, ये तो वो थोड़ा उनको हेल्प कर गया। तृप्ति दीपनी तो एनिमल के बाद स्टार बन ही गई है। बेहद आता है इसका विक्की कौशल का, क्योंकि इसका नेचुरल चलता है। तो एक बैड न्यूज़ जल्द ही आने वाली है और ये बैड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ऑडियंस से पूछे कि वो बैड न्यूज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। सो लेट्स गो। कैसी लगी आप? देखो उसमें दिख रहा था कि वो कॉमेडी थोड़ी मूवी है और उन्होंने एक टॉपिक उठाया है, आप ये सकते हो एक स्पेशल एक वो है सिचुएशन है जब एक बेबी होता है, तो वो कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं जो मतलब करोड़ों में, करोड़ों से क्या, करोड़ों में भी एक रहता है, तो वो ऐसी सिचुएशन लेके आए हैं और कॉमेडी उसमें डालने की कोशिश करी। और विक्की कौशल आपको पता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने यूरी में कैसे इतना अच्छा एक्ट किया था, वो मतलब स्टारडम लाना, वो चीज़ें लाना, और वो बेस बिल्कुल बेस से वो भी उठे हैं। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्हीं गलियों में यू कैन से कि ऑडिशंस दिए हैं। ठीक है, उनके पापा एक्शन डायरेक्टर थे तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला बचपन में, वो कई जगह एक्टर्स से भी मिले हुए हैं। हाँ नो डाउट उनको सपोर्ट मिलता है। जैसे शाहरुख खान जी भी थे तो उनको सपोर्ट कैसे मिला, वो उनके जो पापा थे वो NSD की वहाँ कैंटीन में थे, तो उनको पता था कि हाँ यहाँ पे ये कनेक्शन हैं, ये तो वो थोड़ा उनको हेल्प कर गया और आज वो कहाँ पे हैं। सब मेहनत 100% सबको चाहिए होती है, वो जो रातों की नींद होती है ना वो गायब ही होने पड़ती है, वो मेहनत चाहिए चाहिए होती है, वो कर लोगे ना। क्योंकि शाहरुख खान जी एक ही कहते थे कि भाई जब तक मिले ना तब तक सोना नहीं है, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। कई बार अपना वहाँ जहाँ शूट हो रहा था तो वहीं पे वो अपना सो भी जाते थे, वहीं वर्क करते थे, तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है। तो बैड न्यूज़ का भी बहुत अच्छे मतलब देखा जाए तो कॉमेडी एक्ट किया है, बहुत अच्छा किया है और 100% डायरेक्टर ओरिएंटेड भी होती है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है जिस वजह से हम तक पहुँच पाया। आई डिडंट सी इट बट आई मीन इट जस्ट फील्स लाइक अ रियली कुकी कटर स्टोरी विद कुकी कटर परफॉर्मेंसेज फ्रॉम रियली एक्टर्स आई डोंट रियली एंड I haven't really cared about, so I don't think I'll be watching. बहुत बढ़िया, और उसमें विक्की कौशल का एक नया रूप भी देखने को मिला। अच्छा। और तृप्ति दीपनी तो एनिमल के बाद स्टार बन ही गई है, बैक टू बैक फिल्में कर रही है। बहुत अच्छा लगा, चूँकि इसमें जो अच्छा क्यों लगा सर? इसलिए लगा अच्छा कि चूँकि इसमें जो इनका एक्टिंग दिया गया थोड़ा सा नेचुरल तरीके से ये करते हैं, इस वजह से। कौन करते? ये अपना विक्की कौशल। विक्की कौशल हाँ। तो सर अगर गुड न्यूज़ की बात की जाए जो इससे पहले आई थी, तो गुड न्यूज़ में कैसा कि स्पर्म एक्सचेंज हो गया था, लाइक स्पर्म एक्सचेंज हो चुके थे, बट बैड न्यूज़ में ऐसा है कि कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें एक बच्चे के दो बाप है, तो आपको लगता है कि ये सच में हो सकता है कि सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है? नहीं, जेन्युइनली ये एक सिचुएशन होती है, अगर आप साइंस में, खुद साइंस बैकग्राउंड से हो तो जेन्युइनली एक कंडीशन होती है जिसमें ये करोड़ों में एक होता है जिसमें हो पाता है ये, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, तो ये ऐसा नहीं है, आप जब स्टडी करोगे तो इट विल बी रियल, ऐसा हो सकता है। आई मीन आई एम श्योर दे नॉट गोइंग डाउन द बायोलॉजिकल राउट ऑफ हैविंग टू फादर्स, बट आई एम श्योर दे मेक सम सेंस ऑफ इट, वेदर नॉट विल मेक मच सेंस टू एन इंटेलिजेंट ऑडियंस आई एम नॉट श्योर। हो नहीं सकता है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा उसमें, जिसको वही क्यूरियोसिटी बना के रखेगा शायद फिल्म के एंड तक देखने के लिए, और लास्ट में ही मे बी वो राज खुलेगा कि क्या है। और एक पंजाबी एक्टर भी है तो मिक्सअप अच्छा लगेगा देखने में, बाकी ट्रेलर तो बहुत बढ़िया लगा, बेस्ट है। तीनों एक्टर में से किसकी एक्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बेहद आता है इसका है विक्की कौशल का, क्योंकि इसका नेचुरल चलता है, और इमरान भाई का जो चलता है उस थोड़ा सा, हालांकि वो निर्भर करता है डायरेक्शन के ऊपर। इमरान भाई तो है ही नहीं इस फिल्म में। नहीं इसमें नहीं है, अगर ये पहले वाला जो नहीं बताए थे जिस मूवी का, वो कौन बताए थे? तो जो ही बताए थे उसका में, उनका जो भी आज तक मूवी देखे हैं तो सब मूवी का सरासरा पाला जाता है डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि उसको किस मोशन में ले जाना है और कहाँ तक ले जाना है। मूवी का गाना भी आ चुका है, तो आपको विक्की और तृप्ति की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अब देखो अच्छी है केमिस्ट्री, पर अब विक्की के साथ और भी कोई होता तो भी अच्छा होता, तो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शनली किस वे में दिखाया है, क्योंकि हमने जोड़ियां बहुत अजीब अजीब सी देख रखी है इनिशियली। आप देखो रणबीर कपूर की कैटरीना कैफ के साथ थी, शाहिद कपूर की करीना कपूर के साथ, तो वो जोड़ी के हिसाब से फिर अब वो हेल्थ वाइज और वो सब कुछ देख के मतलब ओके लगी, मतलब वो इट डिपेंड्स कि अब जैसे आगे वो रहेगा वर्क रहेगा तो पता चलेगा मूवी पूरा देखने के बाद। सो डू यू थिंक लाइक द मूवी विल परफॉर्म गुड इन बॉक्स ऑफिस? I wouldn't think so, no, I don't think so.
I'd be surprised. If you want to rate Vicky and Tripti, like Jodi, so how much will you rate? I think both of them are decent actors as a Jodi. I mean, I've seen them separately in very different kinds of movies, so I'd give it a 6, I think. केमिस्ट्री तो अच्छी लग रही है. विकी कौशल ऐसे एक्टर है कि वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, ढल जाते हैं, तो बेस्ट है, बढ़िया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है. मतलब फिल्म में जो चीज़ दिखाई वो सही है? नहीं, सही नहीं है, एक इमेजिनेशन के तौर पे बनाया जाता है उसको विजुलाइज करके, ताकि दर्शक को एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे भी हम लोग फिल्म देखते ही हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और वो बनाया गया हुई है एंटरटेनमेंट के ख्याल से. तो हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी काफ़ी एक्साइटेड है बैड न्यूज़ के लिए, बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए. सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.